नगर निकाय चुनाव के करीब आते ही नगर अध्यक्ष पद के लिए बहुतों ने ताल ठोकी है, लेकिन नवसृजित नगर पंचायत छितौनी में भाजपा की संभावित नगर अध्यक्ष की प्रत्याशी आरती सिंह से बात करने पर पता चला कि इस नगर की जनता विकास ढूंढ रही है, जो अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूं कि जनता ने मुझे इतना स्नेह दिया तथा एक समाज सेवी का होने के नाते मैं भाजपा से जुड़कर लोगों की सेवा करना चाहती हूं, जो मेरे लिए एक मेवा है। आज हम हैं नवसृजित नगर पंचायत छितौनी में, जहां नगर निकाय का चुनाव करीब आ चुका है, जिसमें नगर अध्यक्ष पद के कई लोगों ने अपनी ताल ठोकी है। लेकिन हम बात करेंगे भाजपा की संभावित नगर अध्यक्ष प्रत्याशी आरती सिंह से, जिन्होंने समाज सेवा कर अपने तरफ काफ़ी लोगों को आकर्षित कर चुकी हैं, जो बताएंगे कि इनका मुद्दा क्या है और इनका समाज के प्रति क्या रुख है और यह क्या करना चाहती हैं। जी प्रायम जी, मैं आरती सिंह, मैं छितौनी नगर पंचायत से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ। मैं इस क्षेत्र की जनता का विकास करना चाहती हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं। गरीबी है, अशिक्षा है, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, शिक्षा का अभाव है, और भी जो भी सुविधाएं होती हैं बहुत अभाव है। यहाँ गरीबी बहुत है, गरीबों के लिए बहुत समस्याएं हैं। मैं उन सबका निराकरण करना चाहती हूँ। आप अपने जीवन काल में प्रथम स्टेज से ही आपने राजनीतिक क्रियाकलापों में जुड़ी रही हैं और एक समाज सेविका के रूप में हमेशा खड़ी रही हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? व्यवसायिक कारणों से तो मैं हमेशा यहाँ आती रही हूँ। मैं अपना व्यवसाय देखने के लिए मैं हमेशा यहाँ आती रही हूँ, और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ के क्षेत्र के समस्याओं को दूर करने के लिए मुझे सत्ता पक्ष से जुड़ना चाहिए, और सत्ता पक्ष से जुड़ने के लिए मुझे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी लगी जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर इस क्षेत्र के लोगों का विकास करना चाहती हूं, गरीबों की समस्याओं का निराकरण करना चाहती हूं। अभी आपने अब तक पूरे नगर के वार्डों का भ्रमण कर चुकी होंगी, लोगों से मिल भी चुकी होंगी, लेकिन विकास के नज़रिए से आपने इन लोगों के आंखों में क्या देखा? हाँ, मैंने भ्रमण किया है। यहाँ के बहुत समस्याएं हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, गरीबी बहुत है, और जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं रहेंगी जनता का विकास नहीं होगा। तो सबसे पहले तो गरीबों के लिए या यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं होनी ज़रूरी हैं। क्या उनके आंखों में आपने ऐसा चमक देखा कि आपके आने से विकास हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सहानुभूतियाँ मिली आपको? बहुत बहुत मुझे प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला, बहुत सम्मान मिला है, बहुत प्यार मिला है। मैं बहुत अभिभूत हूँ इस क्षेत्र के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से बहुत आशीर्वाद मिला है। मेरे पिताजी, मेरे बाबा, सबकी कार्यस्थली रही है यहाँ पे। मेरे बाबा यहाँ पूर्व प्रधान रहे हैं, तो उन सब लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है। क्वेश्चन एक है कि आप भाजपा की संभावित प्रत्याशी हैं, अगर आपको मान लीजिए सिंबल या भाजपा आपको प्रत्याशी घोषित करती है, तो क्या आप भाजपा के कुर्सी पे बैठना चाहेंगी या एक समाज सेविका के रूप में ही वैसा करना चाहेंगी जैसा आपने पहले किया है यहाँ के लोगों के लिए? नहीं, मैं भाजपा के साथ जुड़ी रहकर इस क्षेत्र की जनता का विकास करूंगी। विकास करने के लिए लोगों के प्रति आप सदैव तत्पर हैं। एक व्यवसायिक होने के लिए क्या आपको ऐसी लालसा नहीं है कि जैसे हमें भी कोई धन अर्जित हो? नहीं, धन व्यवसाय तो मेरा आज यहाँ बहुत पहले से है, अभी नया नहीं है, 20-22 साल से यहाँ पे मेरा व्यवसाय है, तो धन अर्जन करना कोई मेरी प्राथमिकता नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। भाजपा पार्टी में इनका विश्वास है कि यही एक पार्टी है कि जिसकी कथनी और करनी दोनों एक है, तो हम इनसे बात करते हैं कि प्रत्याशी चुने जाने के बाद आपका रवैया क्या होगा? मेरा रवैया बस यहाँ का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। शौचालय है, सड़कें हैं, शिक्षा है, पेयजल की व्यवस्था है, गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था है, ये सब मेरी प्राथमिकताएं हैं।
ज़्यादा करके इन ग्रामों में यह देखा गया है कि नाली की व्यवस्थाएं नहीं है, जगह जगह उसको ढक्कन नहीं है, शौचालय की भी व्यवस्था काफी कम दिख रही है, तो उस पे ज्यादा प्रकाश डालना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सारी समस्याओं को देखा गांव में जब मैं घूम रही थी, तो मैंने सारी समस्याओं को देखा और वो सब सारी समस्याएं मेरी प्राथमिकता में है कि उन सारी समस्याओं को दूर करना है। प्रथम क्रियाकलाप आपका क्या होगा? प्रथम क्रियाकलाप तो पहले लोगों से मिलना है, जुड़ना है, उनकी समस्याओं को जानना है और उसका निराकरण करना है। अभी आपने आरती सिंह जी के बातों को सुना और हमारे अगली कड़ी के लिए बने रहिए आप। नमस्कार।